रीइन्वेंट योर सेल्फ, अपने आप को एक नए अंदाज में निर्मित करो, अपने आप को एक नए अंदाज में निर्मित करो, अपने आप को एक नए अंदाज में निर्मित करो। कैसे करोगे? स्वयं निर्माण महंगा और अकेला होने का बलिदान मांगता है। इस दुनिया में जितने लोग कामयाब हैं उन्होंने अकेले रह के अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया है, अकेले रह के अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया है। इस दुनिया में जितने लोग महान बने उन्होंने अपने ऊपर टाइम स्पेंड किया है, अपने ऊपर एक्सपेंसिव खर्चा किया है, अपनी जिंदगी को डेवलप करने के लिए, अपना खुद का निर्माण करने के लिए। अकेला रहना पड़ सकता है और थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन बलिदान मांगता है। आप खुद का निर्माण करना चाहते हैं? रीइन्वेंट करना चाहते हैं अपने आप को? मैंने आपको 4 बजे बोला था, आप यहां से जब रात को जाएंगे तो आप वो नहीं रहेंगे जो पहले थे। इस बात का मतलब ये है, जिसने आज सीखी हुई बातों को अपने ऊपर आत्मसात कर लिया रे, वो रीइन्वेंट होगा कि नहीं होगा? महंगा पड़ सकता है कि आपका एंट्री फीस लगी हो, अकेलापन हो सकता है जब आप मार्केट में जाओगे, ना अपलाइन साथ होगा, ना डाउनलाइन, ना कंपनी, ना हार्वेस्ट, ना लीडर, और आप मार्केट में जाके धूम मचाओगे अकेला। ये दो ही शर्तें हैं जिंदगी में रीइन्वेंट करने की, अकेला होना और बलिदान, अकेला होना और महंगा पड़ना। ये दो बलिदान क्या देने के लिए तैयार हो? मैं कसम खा के कहता हूं, अगर कुछ दिन अकेला रहना और कुछ दिन महंगा अपने ऊपर पड़ना ये कबूल कर लिया, एक दिन एक एक घटना रुपए देगी आपको, एक एक घटना रुपए देगी, एक एक घटना रुपए देगी। अपने बिजनेस के मालिक बनो, अपने आप को रीइन्वेंट करो। ऐसा लगना चाहिए जिस दिन आपका अपलाइन ये बोलने लग जाए उनकी टीम, जिस दिन आपका अपलाइन आपके नाम से बोलने लग जाए उनकी टीम है क्या ये, उस दिन आपकी कामयाबी मानना। जब तक आपके अपलाइन की टीम का नाम आ रहा है, समझ लो आपका अपलाइन ही न्योछावर हो रहा है। जिस दिन आपका नाम आने लग गया, आपकी टीम, उस दिन समझ लेना ये रिवार्ड है कि आप रीइन्वेंट हो चुके हो। थोड़ा महंगा पड़ सकता है, थोड़ा अकेला रहना पड़ सकता है, लेकिन एक दिन रीइन्वेंट करोगे और ऐसे लीडर बनोगे जो दुनिया देखेगी। जो लोग करीब हैं उन्हें खुश कर दो, तो फिर जो लोग दूर हैं वे अपने आप आपके पास करीब आ जाएंगे। अरे यार क्या लाइन है! पूरी दुनिया अपने घर को संभाल नहीं रही, जो अवेलेबल हैं उनकी केयर नहीं कर रही, और जो नहीं है उनकी चिंता में रो रही है। जो है नहीं चले गए या आपसे जुदा हैं उनकी तो चिंता कर रहे हैं, जबकि सिद्धांत ये कह रहा है अगर अपने आप को रीइनोवेट करना है, रिजोनोवेट करना है, रीइन्वेंट करना है, तो सीधा प्रिंसिपल है, जो संसार में आपके पास बचे हैं ना, पूरी समग्र ऊर्जा उनको उठाने में लगा दो, उनको खुश करने में लगा दो, उनकी जिंदगी को डेवलप करने में लगा दो, तो वो आ जाएंगे जो आपसे दूर है। गए हुए को लाने का यही फार्मूला है। आप इस भारत की एक चीज को नोट करना, बाप और बेटे की लड़ाई होती है ना, जिन बाप बेटे की लड़ाई, तो इस बेटे को दूसरे का बाप बहुत अच्छा लगता है और इस बाप को दूसरे के बेटे बहुत अच्छे लगते हैं। ये है कि नहीं है सिस्टम? मैंने तो बहुत प्रैक्टिकली देखा है। एक पिता है, उसके दो बेटे हैं, वो तो दोनों घर छोड़ के चले गए और इसने किराए पे अपने घर में किराए पे उनको रख लिया जो अपने माँ बापों को छोड़ के आ गए। प्रैक्टिकल श्रवण जी, बहुत क्लोज है मेरे, इनके दोनों छोड़ के चले गए और इनके दोस्त का बेटा जब उनको छोड़ के आया तो कह रहे यार तू इधर ही रह ले, अब क्या करेगा। तब दुनिया को समझ में आया, अरे भैया अपनों को खुश कर ले, अपनों को डेवलप कर ले जो अवेलेबल हैं। क्योंकि ध्यान रखना, जो दुनिया जीतना जानते हैं ना, सबसे पहले परिवार को जीतते हैं। परिवार को जीते बिना दुनिया नहीं जीत सकते, सीधा फार्मूला है। परिवार का मतलब है अगर आपके पास 10 लोग हैं ना, तो इन 10 को ही जीतने पे ताकत लगाओ, इन 10 को डेवलप करने में ताकत लगाओ। जो 50 हैं नहीं या छोड़ गए वो एक दिन आ जाएंगे, लेकिन कब? जब आप इनको डेवलप करेंगे, इसके लिए प्राइस पे करेंगे, इसके लिए टाइम मनी एफर्ट्स लगाएंगे। अपनों को डेवलप कर लो, दूर वाले करीब आ जाएंगे, आप रीइन्वेंट हो जाएंगे। सीमाओं के बारे में नहीं, संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दो। अब तक सीमाओं के बारे में सोचते थे, आज के बाद कसम है आपको, आपको संभावनाओं के बारे में सोचना होगा।
आज तक आप ये सोचते थे मैं यहाँ तक ही कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं प्लान नहीं दिखा सकता, मैं फॉलोअप नहीं कर सकता, मैं लॉगिन नहीं कर सकता, मैं रूल फॉलो नहीं कर सकता, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकता। आज तक थी सीमाएं, अगर मैं ये कर लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, अगर मैंने प्लान दिखाना चालू किया तो एक दिन मेरा भी सम्मान होगा, अगर मैंने रिपर्चेज किया तो एक दिन मैं कॉन्टेस्ट अचीवर बनूंगा, अगर मैंने रिपर्चेज किया तो ये होगा, अगर मैंने शॉपी प्रमोट की तो मेरे अचीवर बनेंगे, अगर मैंने प्लान दिखाया, अगर मैंने होम मीटिंग ली, अगर मैं ट्रेनिंग में आया, अगर मैं आरटीपी में आया, अगर मैं एलडीपी में आया। अब तक सीमाएं बांधते थे ये नहीं कर सकता। ये लाइन कह रही है अगर अपने आप को रीइन्वेंट करना है तो ये कहना चालू कर दो, अब मैं ये कर लूंगा तो ये संभावना होगी। ये जीवन बदलने वाली लाइन है। अपन लेट हो रहे हैं इसलिए हो सकता है ध्यान भंग हो जाए, नहीं ये जीवन बदलने वाला सिद्धांत है। ये क्या कह रहा है, आज तक जिस बात को सीमाओं की भाषा में बोलते थे ना, यार मैं तो क्या उतना ही कर सकता हूँ भाई, मैं क्या 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, अरे यही बोल ले लेकिन इसको अलग तरीके से बोल ले, कैसे बोल ले यार, जिस दिन मैं 9-10 घंटे काम करने लग गया ना यार, मेरी लाइफ में मेरे को गति मिल जाएगी यार, मोमेंटम मिल जाएगा, मेरे को किक मिल जाएगा। बोलने की भाषा ही तो सही करनी है। मैं क्या यार दिन में 2 से ज़्यादा प्लान नहीं दिखा सकता, इस बात को ऐसे मत बोले, ऐसे बोल ले, अरे यार मैं जिस दिन 3 प्लान दिखाने लग गया, जिस दिन मैं 4 प्लान दिखाने लग गया ना, उस दिन मेरा बिजनेस जस्ट डबल हो जाएगा। ये बोलने का तरीका ठीक कर ले। पहले सीमाएं और बाउंड्री जा रही थी, अब पॉसिबिलिटी जा रही है और संभावनाएं आ रही है। क्योंकि आपको मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूं, आज तक आपने मन में कहा होगा मैं करोड़पति नहीं बन सकता, आज के बाद संभावनाओं पे बात करने लगो। मैं एक दिन करोड़पति बन गया तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरे बच्चों का जीवन बदल जाएगा, मेरी पत्नी का जीवन बदल जाएगा, मेरे माँ बाप का जीवन बदल जाएगा, जिस दिन मैंने संभावनाओं पर बात करना चालू की। आज के बाद करोगे? रीइन्वेंट करना चाहते हो अपने आप को? आज के बाद संभावनाओं पे। मैटर इतना सा है कि 4 घंटे में चीजें इतनी बता रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए कि आज तो इशारा है घर जाके गुटाई करना। जब रास्ते में जाओ, जैसे बीकानेर वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, रास्ते में पूरे रास्ते में कहना 8वीं कमांडमेंट में तुझे क्या सीखने को मिला, 4थी कमांडमेंट में क्या सीखने को मिला, खड़ा होके बात कर, इसमें बात कर, उसमें बात कर। आप जो यहाँ हो वो अपनी लाइफ में इनको रिकॉल करना, क्योंकि 40 दुनिया के महान लोग जिन्होंने महानता के शिखर को छुआ है, उन्होंने जो सिखाया वो मैंने 4 घंटे में आपको डिलीवर कर दिया। अब जिम्मेदारी आपकी है कि इतना गरिष्ठ माल है तो इसको रोज थोड़ा थोड़ा घुटाई कर करके खाना, क्योंकि सर्दी की खुराक भी ऐसे ही खाई जाती है, थोड़ा जमा लेते हैं फिर खाते हैं, ऐसे ही करके खाना, आपकी जिंदगी बदलेगी। और अंतिम बात, आपको वह परिवर्तन बनना चाहिए जो आप संसार में देखना चाहते हैं, आपको वो परिवर्तन बनना चाहिए जो आप संसार में देखना चाहते हैं, आपको वो परिवर्तन बनना चाहिए जो आप संसार में, आप पूरे संसार में लोगों को बदलना चाहते हैं, बदलना आपको खुद को होगा। आप पूरी दुनिया को सही करना चाहते हैं, सही आपको खुद को करना होगा। आप पूरी दुनिया को कहते हैं प्लान दिखाओ, प्लान आपको दिखाना होगा। आप कहते हैं लिस्ट बनाओ, आपको लिस्ट बनानी होगी। आप कहते हैं फॉलोअप करो, ज्वाइनिंग लेके आओ, आपको खुद को करना होगा। आप कहते हैं मीटिंग में आओ, सेमिनार में आओ, आपको आना होगा। जो परिवर्तन आप संसार में देखना चाहते हो वो आपको करना होगा। आप लोगों को शिक्षा देते हो, रोज 10 घंटे 15 घंटे काम करो, आपको करना होगा। आप लोगों को शिक्षा देते हो जिंदगी में उठना है तो ये बिजनेस कर, पहले आपको ये बिजनेस करना होगा। आप लोगों को कहते हो ये बिजनेस दिमाग से दिल में आ जाए तो जिंदगी बदल जाए, पहले आपको लाना होगा। कार्डिनल रूल लोगों के लिए कहते हो, पहले आपको फॉलो करना होगा। आप लोगों को कहते हो गुड रिलेशनशिप रखनी होगी, पहले आपको रखनी होगी। आप लोगों से कहते हो जिंदगी में अगर अच्छा बिजनेस चाहिए तो आपको रिपर्चेज पे फोकस करना होगा, आपको रिक्रूटमेंट पे फोकस करना होगा, आपको इसके बेसिक्स को समझना होगा, 4 बेसिक्स आपको करने होंगे, पहले आपको करना होगा। आप दुनिया में जो परिवर्तन देखना चाहते हो, आज कसम है आपको वो परिवर्तन आपको करना होगा। दुनिया में मर्दानगी की अधूरी परिभाषाएं चलती है। मर्द किसे कहते हैं? लोग कहते हैं जो बच्चे पैदा कर सके, ये तो कुकरा कुकरी भी कर लेता है, इसमें कोई बड़ा दम नहीं है। असली मर्द वो है जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनके सपनों के लिए जान लगा दे, असली मर्द उसे कहते हैं। आपको असली परिभाषा जिंदगी की आपको अपने बच्चों को आपको देनी होगी। कसम खाते हो आज के बाद कि आप वो परिवर्तन करोगे। Yeah!